ओम शांति। 10 अगस्त 1968 की वाणी चल रही थी, दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। पिछाड़ी में तुमको ये बेज ही काम में आवेगा, ये ढेर के ढेर चित्र भी नहीं रहेंगे और विस्तार का ज्ञान भी नहीं रहेगा, इशारे का ज्ञान रह जाएगा। मालूम पड़ जाता है बेहद का बाप शिव बाबा जरूर स्वर्ग रचेंगे, अंत में सभी को मालूम पड़ेगा। तो बाप को याद करेंगे तो स्वर्ग में जावेंगे। अभी ये तो समझते हो कि हम पतित हैं और याद से ही पावन बनेंगे, याद के अलावा और कोई उपाय भी नहीं है, स्वर्ग है ही पावन दुनिया। और स्वर्ग का मालिक बनना है तो पावन जरूर बनना है। जो स्वर्ग में जाने वाले होंगे वो फिर नरक में गोते कैसे खाएंगे? इसलिए कहा जाता है मन मना भव। बेहद के बाप को याद करो तो अंत मत सुगति हो जाएगी। क्या गति हो जाएगी? जो बाप का रूप है निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, वो ही गति हो जाएगी। स्वर्ग में जाने वाले विकार थोड़े ही जावेंगे। भक्त लोग इतना विकार में नहीं जाते हैं, सन्यासी भी पूछते हैं आखिर विकारों को कहाँ तक छोड़ सकते हो, मास मास में जा सकते हो, 15 दिन में जा सकते हो, बाबा तो अनुभवी है ना, ऐसे ऐसे सन्यासी लोग पूछते थे। तो प्रण करो, परंतु प्रण का कोई पालन करते नहीं थे। दस आठ 68 की वाणी का तीसरा पेज, जैसे यहाँ कहा जाता है पवित्र हो फिर भी काला मुंह कर लेते हैं, तो सन्यासियों का भी कोई वचन पालन नहीं करते थे। कोई करते भी थे परंतु वो सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे कि सदा काल के लिए पवित्र बनो, क्योंकि वो तो खुद ही शादियां आदि कराते रहते हैं। फिर कहते हैं अच्छा मास मास में विकार में जाओ, और कहेंगे भी गृहस्थियों को ब्रह्मचारी को ऐसे नहीं कहेंगे। तुम्हारे पास गंधर्व विवाह करते हैं, भले बाबा की अनुमति लेकर करते हैं फिर भी दूसरे दिन खेल खलास कर देते हैं, विकार में चले जाते हैं। देरी थोड़ी लगती है, क्योंकि स्त्री माया का रूप दिखाई देती है, कितनी कशिश करती है। और स्त्री पुरुष दोनों के बगैर तो दुनिया चल भी नहीं सकती। तो पवित्र बनने का पुरुषार्थ सिर्फ इस समय संगम युग पर ही होता है,
तो प्रारब्ध चलती है। वहां नई दुनिया में तो रावण राजी ही नहीं, वहां क्रिमिनल ख्यालात होते ही नहीं, क्योंकि तुम जानते हो क्रिमिनल रावण बनाता है और सिविल बाबा बनाते हैं। ये बात भी याद करना है। घर घर में क्लास होता रहेगा तो सभी समझाने वाले बन पड़ेंगे। घर घर में गीता पाठशाला बनाकर घर को सुधार देते हैं। ऐसे ऐसे वृद्धि होती रहेगी। साधारण और गरीब वो जैसे कि हम जन से ठहरे, बड़े आदमियों को छोटे आदमियों के सत्संग में आने में लज्जा आती है, क्योंकि सुना है वहां जादू होता है, बहन भाई बनाते हैं। अरे बहन भाई बनाते हैं ये तो अच्छी बात है ना, गृहस्थ में तो कितनी झंझट होती है, कुछ नहीं मिलता है तो औरों से भी ले लेते हैं, गंदे बन पड़ते हैं, ये है दुख की दुनिया। और अपार दुख हैं, फिर बाहर नई दुनिया में अपार सुख होंगे। तो तुम कोशिश करो लिस्ट बनाने की, कम से कम 25-30 मुख्य दुख की बातें निकालो, फिर लिख देना इत्यादि इत्यादि। वेद के बाप से वर्षा पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, बाप इस अर्थ द्वारा हमको समझाते हैं। और ये दादा भी स्टूडेंट है, वेदारी सभी स्टूडेंट हैं, और जो पढ़ाने वाला टीचर है वो विदेही है, उसे देहधारी नहीं कहेंगे, देह में उसकी बुद्धि नहीं धरी हुई है, वो तुमको विदेही बनाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि शरीर का भान छोड़ते जाओ, आगे चल के ये मकान आदि कुछ भी नहीं रहेंगे, देह भान होता है तो देह का पोषण करने के लिए, देह भान का पोषण करने के लिए मकान बनाए जाते हैं। वहां नई दुनिया में तो तुमको सब कुछ मिलने या मिलेगा, और नई दुनिया के तुमको पिछाड़ी में बहुत साक्षात्कार भी होते रहेंगे। तुम ये भी जानते हो कि उधर विलायत की तरफ विनाश झट से हो जाएगा, देरी नहीं लगेगी, क्योंकि उनके पास एटॉमिक बम्स है ना, और यहाँ के विनाश में तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है। रक्त की नदियां बहनी हैं तो उसमें टाइम लग जाता है। यहाँ का मौत बड़ा खराब है, क्योंकि यह अविनाशी खंड है, इस अविनाशी खंड पर उन्हों का इतना दबाव नहीं आएगा। क्यों? जिसके पास बंदूक होती है उसके ऊपर बंदूक से हमला किया जाता है, जिसको जानते हैं इसके पास बंदूक है ही नहीं तो हथियारों की जरूरत ही नहीं,
तो उन विदेशों में तो एटमिक एनर्जी भरी पड़ी है। विलायत से तो बहुत दूर है, नक्शे में हिंदुस्तान को अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान तो जैसे एक कोना है। ड्रामा अनुसार यहाँ उनका इतना असर नहीं होगा। हाँ, यहाँ तो हिंदू मुसलमानों के बीच रक्त की नदियाँ बहनी हैं और उसके लिए अभी से अच्छी तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि पिछाड़ी में इनको बम से भी लोन दे देवे, इनको पाकिस्तान को। बाकी वो बम्स जो फेंकने से ही खत्म हो जाएं, दुनिया का बड़ा भाग नष्ट हो जाए, वो बड़े बम्स थोड़े ही लोन में देंगे। हल्की क्वालिटी के देंगे, जो काम की चीज होती है वो थोड़े ही किसी को देते हैं। ये विनाश तो कल पहले मिसल हो ही जाना है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अनेक अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना, एक सब धर्म की स्थापना होनी है तो एक ही खंड बचेगा और बाकी सब असत खंड हैं जो विनाश हो जाएंगे। भारत खंड का कब विनाश नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि भारत खंड में सत्य भगवान आते हैं। एक भगवान को ही सत्य कहा जाता है। अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, हिंदू भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, तो सत्य बाप भारत में आते हैं, जहां आज तक भी प्योरिटी की बड़ी खातिरी की जाती है। कन्याओं की कितनी संभाल करते हैं, तो ये भारत खंड का भी विनाश नहीं हो सकता। फिर भी कुछ तो बचते हैं ना। अगर भारत में भी सब मर जाएं, फिर तो प्रलय हो जावे। लय माने लीन और प्र माने प्रकृष्ट रूप से, सब कुछ नष्ट हो जाए, कुछ बचे ही नहीं। दिन प्रतिदिन ज्ञान में तुम्हारी बुद्धि विशाल होती जाएगी, तुमको बहुत रिगार्ड रहेगा। आज सनातन देवी देवता धर्म का भी रिगार्ड रहेगा, स्थापना करने वाले का भी रिगार्ड रहेगा। अभी इतना रिगार्ड थोड़े ही है, अभी सबका एक जैसा रिगार्ड हो जाए तो फिर सब पास हो जावे। बहुत कम पास होते हैं, क्योंकि बुद्धि में असलियत की बातें बैठती नहीं है। फिर बाद में कितनी सजा खानी पड़ेगी। जो जितनी सजा खावेंगे
वो उतनी ही देरी से आवेंगे, डबल घाटा हो जाता है, पदवी नीचा हो जाता है और ऑलराउंड पार्ट में भी घाटा हो जाता है। कोई विकार में गिरते हैं तो फिर की कमाई चट्ट हो जाती है, क्योंकि काले के काले बन पड़ते हैं, फिर इतनी जल्दी खड़े हो न सके। तुम जानते हो कि कितने जाते रहते हैं और फिर कितने जाने वाले हैं, खुद भी समझते हैं। इस हालत में हमारा शरीर छूट जाए तो हमारी क्या गति होगी, समझ की बात है ना। बाप कहते हैं तुम बच्चे शांति स्थापन करने वाले हो, क्योंकि तुम ही पहले शांति धाम में जाते हो, तुमको शांति की कदर है। अगर तुम्हारे में ही अशांति होगी तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। किसी को भी दुख देने की दरकार नहीं है, देखो बाप कितना प्यार से सभी को बच्चे बच्चे कह करके बात करते हैं। ये बेहद का बाप है ना, प्यार का सागर कहा जाता है, सारी दुनिया की इसमें नॉलेज है, तो ज्ञान का भी सागर है। सागर के बच्चे सागर बनेंगे तब तो समझाते हैं। इस दुनिया में कितने अनेक अनेक दुख हैं, ढेर के ढेर दुख हैं, वो सारी दुखों की बातें लिस्ट बनाकर तुम दो, जब तुम ये सिद्ध करके दिखलावेंगे कि ये दुनिया तो रौरव नरक है, तो समझेंगे ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और ये अपार दुखों की दुनिया तो सिवाय एक बाप के कोई दूर कर ही नहीं सकता, बाप ही सुख का सागर है, बाकी सारी दुनिया तो दुखों को बढ़ाने वाली है। तो दुखों की लिस्ट होगी तो कुछ न कुछ उनकी बुद्धि में बैठेगा, जो अच्छी रीति समझते हैं वो करके दिखाएंगे, बाकी तो सुना अनसुना कर देंगे। उनके लिए गाया जाता है रीढ़ बकरियां क्या जाने सुर मंडल के साज को, सांधा देह अभिमानी को कहा जाता है। सांधों का एक गांव भी होता है, वास्तव में क्रोधी को सांधा कहा जाता है। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को तो ऐसा गुलगुल बनना है, कोई भी अशांति कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। अशांति फैलाने वाले देह अभिमानी सांधे हैं, चूहरी भी कहा जाता है, उसको छूना नहीं होता है। अच्छा रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते,
छोटा सा रात्रि क्लास है। बच्चों ने सर्विस की, प्रभावित बहुत हुए। बाबा कहते हैं समझा कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रभावित होने वालों को प्रजा कहा जाता है। अगर कुछ समझू सयाने हो तो प्रजावर्ग में क्यों जावेंगे? दस आठ अड़सठ की वाणी का रात्रि क्लास, ये वंडरफुल बात है। फिर भी कहते हैं ये ज्ञान बहुत सहज है, परंतु पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना कितना कठिन है। और है भी ये गीता का एपिसोड, गीता का एपिसोड संगम युग पर ही कहते हैं। गीता है पहले नंबर का शास्त्र, जैसे ब्राह्मण पहले नंबर में है, जो गीता का सच्चा ज्ञान सुनते हैं। गीता को भी माता कहा जाता है, देवियों के नाम गिनाए हैं ना शास्त्रों में, गीता गंगा गायत्री सीता सत्या सरस्वती भवग्नि भयनाशिनी, कितनी देवियां हैं? नौ देवियां हैं। कितने धर्म हैं? नौ धर्म हैं। तो नौ धर्मों की माताएं भी तो होंगी। उन माताओं में जो घर का शासन चलाती हैं, घर को संभालती हैं, उनमें नंबर बार हैं। पहले नंबर में है गीता, इसलिए कहा जाता है सर्वशास्त्र शिरोमणि। सब शासन करने वालियों में शिरोमणि गीता है। जैसे ब्राह्मण पहले नंबर में है, फिर दूसरे नंबर में ब्राह्मण है चोटी, फिर उसके बाद है देवता सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय, फिर इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन आदि। टोटल झाड़ में कितने धर्म दिखाए हैं? नौ धर्म दिखाई हैं जो भगवान बाप को मानने वाले हैं। बाप की रचना स्वर्ग को भी मानने वाले हैं। तो ब्राह्मण पहले नंबर में है जो गीता का सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। ब्राह्मणों की भी नौकरियां हैं जो अव्वल नंबर के ब्राह्मण हैं, वो जरूर गीता का सच्चा ज्ञान सुनाते होंगे, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं करते होंगे। गीता में है भगवान वाच, जो है भी राइट, परंतु उस मनुष्यों की लिखी गीता में गलती से भगवान मनुष्य का नाम दे दिया है।
किसका नाम दे दिया है? 16 कला संपूर्ण सुधरे हुए मनुष्य का नाम दे दिया है, कृष्ण का नाम दे दिया है, जिसके लिए जाते भी हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, जिसको 16 कलाओं में बांधा जाता है। अब भगवान को तो ज्ञान सूर्य कहा जाता है, सूर्य को कलाओं में बांधा जाएगा या चंद्रमा कला में बांधा जा सकता है? सूक्ष्म बतन वालों को भी देवता कहते हैं, और ये जो मंदिरों में मूर्तियां बनी हुई हैं इन्हों को भी देवता कहते हैं। बाप ने समझाया है ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सभी है साक्षात्कार, चाहे बुद्धि का साक्षात्कार कहें चाहे बंद आंखों का साक्षात्कार कहें। समझने की बात है, बाकी शंकर का पार्ट है नहीं। पार्ट काई से बजाता है? कोई मनुष्य पार्ट बजाता है तो कर्म इंद्रियों से ही पार्ट बजाया जाता है। शंकर को मोस्टली किस रूप में दिखाते हैं? याद में बैठे हुए दिखाते हैं, तपस्या में बैठे हुए दिखाते हैं। उसमें कोई भी इंद्रियों की कोई हलन चलन नहीं होती है, कोई पार्ट नहीं। बाकी रहा ब्रह्मा और विष्णु, विष्णु तो है ही सतयुग के लिए, नाम ही है विष्णु, विषय विकारों का नाम निशान नहीं, नो विषय ताल। विष्णु को फिर सूक्ष्म बतन के लिए नहीं कहेंगे, वो तो जेवर आदि पहने हुए हैं, दिव्य गुणों के अलंकार धारण किए हुए हैं। सूक्ष्म बतन में दिव्य गुण कहाँ से आए? तो ये संगम युग है गीता का एपिसोड, परंतु जब समझे मुख्य बात कि शिव भगवान उवाच कौन है, वो तो कह देते हैं कृष्ण भगवान उवाच। अब कृष्ण तो भगवान है नहीं, वो तो सतयुग का पहला प्रिंस है, फर्स्ट क्लास रचना है। रचयिता तो जरूर कोई अलग होगा ना, तो जो नई दुनिया की स्थापना करने वाला है जरूर वही उनका रचयिता होगा। बाप आकर विश्व का मालिक बनाते हैं ना, ये प्रिंस बनाते हैं। गायन क्या है, नर से नारायण या नर से प्रिंस? नर से नारायण बनाते हैं, और बनते कैसे हैं? सब बनते हैं, जरूर बाप की याद से बनते हैं, और संगम पर ही बनते हैं। बनते तो नंबर बार बहुत हैं,
परंतु फिर झट भूल जाते हैं। तुम कह भी सकते हो वो है कौरव संप्रदाय और ये है पांडव संप्रदाय। अभी पांडव संप्रदाय को मत देने वाला कौन है? जरूर कहेंगे पंडा बाप। पंडे क्या करते हैं? तीर्थ यात्रा कराते हैं, नाम रख दिया है तीर्थ। तीर माने किनारा, था माने स्थान, अर्थात बुद्धि को एक किनारे लगाने वाला स्थान। अब वास्तव में उन तीर्थों पर तो बुद्धि किसी की टिकती नहीं, जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, बार बार जाते रहते हैं, बुद्धि ठिकाने तो किसी की नहीं लगती। वो पंडे हैं झूठे, ये एक ही पंडा बाप है जो तुम्हारी बुद्धि को एक ठिकाने लगाता है। साक्षात स्वयं परम पिता परमात्मा है। जब तुम्हारी बुद्धि को एक ठिकाना मिलता है तो बुद्धि एकाग्र हो जाती है। बुद्धि को ठिकाना न मिलने के कारण बुद्धि चंचल होती रहती है। तो तुम बच्चों को उन कौरवों को भी मत देना चाहिए, परंतु वो तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो है रावण संप्रदाय। उनको मत देने वाला रावण चाहिए। तुम तो राम संप्रदाय हो, रावण संप्रदाय वाले राम संप्रदाय वालों की बात मानेंगे नहीं। उन कौरव संप्रदाय का तो विनाश होना है। बातें बहुत सहज हैं समझने की और दुख भी अनेकानेक हैं। इस समय अथाह दुख है और तुम बच्चों को अथाह सुख भी मिलते हैं। बाप को संगम पर ही आना पड़े सुख का वर्षा देने के लिए। कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता है, सतयुग और कलयुग के बीच का समय है संगम। उसमें भी जो सतयुग का आदि समय का है उसको कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग। माना सन 36 को पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहेंगे। समझाते तो बहुत अच्छा है फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। 7 रोज कोई कोर्स ले तो प्रजा में अच्छा पद पाए जावेंगे। बाकी ठहर जाएं ये तो बड़ा मुश्किल है। और सारा दिन तो कोई दे भी नहीं सकता। ये भी समझते हैं पांडवों की विजय हुई थी क्योंकि उस तरफ साक्षात स्वयं परमपिता परमात्मा थे। तुमको श्रीमत देने वाला वही परमपिता परमात्मा आया हुआ है।
तो उनको कितना याद करना चाहिए। अंदर ही अंदर याद में मस्ती चाहिए। जो महिमा बाप की तुम जानते हो वो और कोई भी नहीं जानता है। पारो बाप की निंदा करते हैं और पांडव बाप की महिमा करते हैं। ये पहचान है पौरव संप्रदाय कौन साबित होने वाले हैं और पांडव संप्रदाय कौन साबित होने वाले हैं। पौरव है विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि विनश्यते। वो दुश्मन है तुम हो मित्र और वो है दुश्मन। वो विपरीत बुद्धि और तुम बाप की प्रीति बुद्धि। यही समय है जिसमें पढ़ना होता है और राजयोग की शिक्षा लेनी होती है। और तो कोई समय नहीं है, कोई युग नहीं है जहां बुद्धि को ठिकाना मिले। सब बुद्धि को भटकाने वाले हैं। तो राजयोग कैसे सीखेंगे? उस तरफ अथाह फिकर है। पौरव गवर्नमेंट को देखो कितनी फिकर है, उनको कितनी समस्याएं आती हैं। आज ये हुआ, कल ये होने वाला है, आज अनाज नहीं मिलता, परंतु तुमको तो गायन है फिकर से प्यार फारिग। संधा प्यारा सतगुरु, तुमको तो कोई बात की फिकर नहीं। तो उनको समझा सकते हैं। देखो कुरान में भी लिखा हुआ है, जब विनाश बरपा होगा, कयामत होगी, तो खुदा के बंदे बड़े चैन में रहेंगे। अभी तो उस कौरव गवर्नमेंट को कितनी फिक्र है। यहाँ तो देखो ईश्वरी गवर्नमेंट की कैसे स्थापना होती है। सहज सहज। और ये गवर्नमेंट कौन स्थापन करते हैं, उनको क्या कहें? तुम्हारा तो नाम है पांडव, तो जरूर पांडवों की गवर्नमेंट स्थापन करने वाला पंडा चाहिए। पांडव कहो या ब्राह्मण कहो, बाकी तो जैसे पत्थर ठिकर बुद्धि है। और वो लोग अपन को पढ़ा लिखा बहुत समझते हैं। जो कुछ भी पढ़ा लिखा है वो ही उनकी बुद्धि में आता रहता है।
अभी तुम जानते हो कि तुम्हारे सब दुख दूर होने वाले हैं, परंतु पहले होगा हाहाकार, फिर होगी जय जयकार। तो तुमको डरना नहीं चाहिए इस बात से, हाहाकार होगी, ग्लानी होगी, महिमा नहीं होगी, तुम्हारी भी ग्लानी होगी और बाप की भी ग्लानी होगी। सबसे जास्ती ग्लानी होती है बाप की, फिर होती है ब्रह्मा की, फिर नंबर वार तुम बच्चों की ग्लानी होती है। इस ग्लानी का हाहाकार सारी दुनिया में फैल जाएगा, फिर भी तुम डरो मत। तुम बताते रहो कि कौरव गवर्नमेंट कौन है और पांडव गवर्नमेंट कौन है। पांडव जरूर पंडा बाप को जानते होंगे, कौरव आदि कहने से गवर्नमेंट बिगड़ेगी नहीं, ये कैसे है ना, कैसे साफ साफ कौरव गवर्नमेंट लिखेंगे तो वो लोग बिगड़ जा देंगे, जेल में डाल देंगे। जैसे कि सीढ़ी के चित्रों में कलयुग के अंत में जहां नीचे लिखा हुआ है कौरव गवर्नमेंट, तो 1976 में उन्होंने उसके ऊपर काली निशान से स्याही लगा दी, समझा कि गवर्नमेंट बिगड़ जाएगी। उस समय एमरजेंसी लगी हुई थी ना, चित्र ही उड़ाई दिए, क्योंकि उनमें घोषणा थी 1976 में पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नई दुनिया की स्थापना होगी। अरे ये तो गीता के अक्षर हैं, गीता में ही लिखा हुआ है कौरव गवर्नमेंट और पांडव गवर्नमेंट। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, कौरव क्या करत भये, पांडव क्या करत भये। एक भी दुनिया में ऐसा मनुष्य नहीं है जो ये कहे कि इन पांडवों ने ये पद कैसे पाया। जरूर नरसिंह नारायण बने होंगे, तब नारायण ही पद पाया और बनाया भी जरूर भगवान ने होगा। जो गायन है नरसिंह नारायण बनाने वाला बाप है। ये बातें सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। सचिव के लिए कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, परंतु वो सतयुग के कृष्ण या नारायण ने कब पुरुषार्थ किया। जो कृष्ण या नारायण बना जरूर संगम युग पर ये पुरुषार्थ किया होगा, और किसने पुरुषार्थ कराया, जो सतयुग का प्रिंस बन गया। जरूर कहेंगे कि सतयुग की स्थापना करने वाला जरूर एक सत्य बाप है।
किसी को पता ही नहीं है कि राधे और लक्ष्मी एक ही हैं और कृष्ण और नारायण भी एक ही हैं। एक बचपन का नाम है और एक बड़ेपन का नाम है, ये भी किसी को पता नहीं है। आगे चल करके तुम्हारी बहुत महिमा निकलेगी। बहुत महिमा निकलेगी। फिर ये कौन क्यों कहा कि डरो मत है? महिमा निकलने से पहले बहुत ग्लानी भी निकलेगी। तुम्हारी इतनी महिमा निकलेगी जो आज तक भी गायन करते हैं वंदे मातरम, अब वंदे मातरम है तो क्या विधवाओं की वंदना की जाती है? विधवाओं की तो वंदना नहीं की जाती है, जरूर है। वंदे मातरम के पीछे पितरम भी होंगे ना, बिना पांडवों के तो शक्तियों का काम चल भी नहीं सकता। तो पवित्र गृहस्थ धर्म में दोनों चाहिए। सिर्फ तुम्हारा गायन है तो कलश माताओं को दिए है, ये भी जानते हो। सागर मंथन हुआ, विचार सागर मंथन हुआ तो अमृत कलश माता को दिया गया, और जब माता को अमृत कलश दिया गया तो असुर भी आकर के लाइन में बैठ गए। जिन असुरों का काम ही होता है चोरी चकारी जबरदस्ती गुंडागर्दी आदि करना, वो असुर भी आकर के घुस कर बैठ गए। वास्तव में असुर उनको कहा जाता है जो अमृत पी करके फिर विकार के लिए बहुत दुख देते हैं माताओं को। असुर वो है जो काम आदमी में भस्म हो पड़े, उनको कहा जाता है भस्मासुर। गीता की शोध को भी गीता का संगम कहा जाता है। वास्तव में सत्युग में तो कोई भी प्रकार की स्थापना नहीं होती है, स्थापना होती है पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं उनकी सर्विस का समाचार तब मैगजीन में लिखना चाहिए जब अच्छी रीति समझ करके मददगार बन जावे। एक दो का नहीं बहुतों का कल्याण करने लग पड़े। जो कल्याण ही नहीं करते हैं उनका नाम सुनाने से क्या फायदा? बाप के दिल पर ही नहीं चढ़ सके। नहीं तो गायन है जो दिल पर सो तख्त पर, जो बाप के दिल पर चढ़ते हैं वो ही तख्त नशीन बनते हैं।
और तख्त का मालिक ही नहीं बनते हैं तो क्या करेंगे? बाबा सच्चा साहब है तो सच्चे साहब के सच्चे साहबजादे चाहिए ना, सच्ची साहबजादियां चाहिए ना, सच्चे साहबजादे और साहबजादियां उनको कहेंगे जो बाबा से सच बोलते हैं। सच्चखंड स्थापन करने वाला बाबा है तो सच्ची बात बतानी चाहिए ना। झूठ भी कोई मुश्किल से छोड़ते हैं, पूरे निश्चय बुद्धि नहीं बनते हैं तो झूठ बोलने की तात बुद्धि में लगी रहती है। बच्चे दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे, हर एक बात में वृद्धि होती जाती है। अगर दृष्टि को सुधारेंगे तो सुधार भी वृद्धि को पाता रहेगा। नहीं तो फेल हो जाएंगे। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते।